साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जल्द ही मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल लेकर आ रहे हैं। जी हां, अल्लू अर्जुन की पुष्पा और अब पुष्पा 2 मेकर्स के लिए और फैंस के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल फैंस पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द ही इस फिल्म की रिलीज डेट आ जाए। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तब से फैंस के बीच इसको लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। हाल ही में पुष्पा की झलक भी दिखाई गई थी जिसके बाद तो फैंस का एक्साइटमेंट लेवल दुगना हो चुका है। जी हाँ, मेकर्स ने किया है पुष्पा 2 के पहले सिंगल का ऐलान। दरअसल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने पुष्पा की झलक दिखाई गई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका लगा दिया है। वहीं अब इस बीच मेकर्स ने फिल्म के पहले सिंगल को रिलीज करने का भी ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने पुष्पा का एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ मेकर्स ने ऐलान करते हुए ये भी बताया है कि फिल्म का पहला सिंगल 1 मई को रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने पुष्पा की झलक दिखाई गई थी जिसने सोशल मीडिया पर तहलका लगा दिया। वहीं अब इस बीच मेकर्स ने फिल्म के पहले सिंगल को रिलीज करने का भी ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने पुष्पा का एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ मेकर्स ने ऐलान करते हुए बताया कि फिल्म 1 तारीख को रिलीज हो रही है, यानी कि पुष्पा 2 द रूल का पहला सिंगल कल शाम यानी कि 5:04 पे तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली में रिलीज होगा। मेकर्स ने इसके साथ ये भी ऐलान किया और इसके बाद लोगों के बीच मैडनेस को दुगना कर दिया। पोस्टर में अपने ट्रेडमार्क रवैये के साथ प्रभावशाली सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के मनमोहक अवतार ध्यान आकर्षित करने वाला है। इस खबर के साथ निर्माताओं में बंगाली फिल्में की रिलीज डेट की भी पुष्टि की गई जिसमें ये क्षेत्रीय भाषा में आने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म बन गई। पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसके निर्माता मैथ्री मूवी हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। इसके अलावा फिल्म में फहाद फासिल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अब दर्शक बस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।